हूँ माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। ब्रिजभूषण सरन सिंह कैसरगंज की सीट पर कहीं ना कहीं उस पर चर्चा में बने हुए थे, लेकिन अब फिर से माना जा रहा है कि अब ब्रिजभूषण सरन सिंह राजनीति में कम बैक करते हुए नजर आ सकते हैं। अब वो किस पार्टी के साथ करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ब्रिजभूषण सरन सिंह के जो रिश्ते हैं वो इतने अच्छे नहीं बचे हैं। खासकर जिस तरीके से कैसरगंज में करण भूषण का केस हुआ था एक्सीडेंट का, और इसके पहले जंतर मंतर पर लेकर जिस तरीके से बवाल होता हुआ नजर आया, कहीं ना कहीं ब्रिजभूषण सरन सिंह की छवि धूमिल हो गई और उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया। अब ऐसे में माना ही जा रहा है कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं इस पर अपना एक प्रयास कर सकते हैं कि ब्रिजभूषण सरन सिंह को अपनी पार्टी में ले लिया जाए, क्योंकि अगर देखा जाए तो उनका जो दबदबा है उनके पार्टी में वो भी काफी ज्यादा है और क्षेत्र में भी काफी ज्यादा है, 6 बार के सांसद रह चुके हैं। ऐसे में अखिलेश यादव लगातार ये कहीं ना कहीं सेंधमारी करने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ही नहीं, तमाम ऐसी पार्टियां हैं, मायावती हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, अगर ऐसे जो फेमस चेहरे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार किया है, वरुण गांधी हैं, अपर्णा यादव हैं, तो क्या ऐसे में ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनको साधने का प्रयास कर सकती हैं? और विधानसभा चुनाव को साधने के लिए अगर ये लोग इनके साथ आ जाते हैं, जिसमें तमाम नाम हैं वरुण गांधी, चंद्रशेखर आजाद और ये यहाँ पर देखा जाए ब्रिजभूषण सरन सिंह अगर आ जाते हैं, तो किस तरीके के समीकरण बनते हुए नजर आएंगे, कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन अगर पूरा मामला समझा जाए तो इससे यही बात निकलकर सामने आती है कि अखिलेश यादव ब्रिजभूषण सरन सिंह को अपनी पार्टी में ले सकते हैं और उनको टिकट दे सकते हैं। और इसी प्रयास में कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद रावण भी हैं, क्योंकि 403 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन वो ऐलान क्या वो उसको निभा पाएंगे या फिर खुद ही किसी पार्टी में शामिल होते हुए नजर आएंगे? लेकिन अभी जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं उस पर अगर बात कह लिया जाए तो ब्रिजभूषण सरन सिंह को भी इंतजार है कि उनको इस बार किसी पार्टी से टिकट मिल जाए, क्योंकि वो जितना डेस्परेट थे, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, इस तरीके की बात बोलते हुए नजर आए थे, इस बात का कितना फायदा मिलता हुआ नजर आएगा उनको। और फिर विधानसभा चुनाव में अगर अखिलेश यादव की पार्टी के साथ आते हैं तो जाहिर तौर पर बड़े पद के साथ आएंगे, ज्यादा सीटों के साथ आएंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ब्रिजभूषण सरन सिंह ये मौका हाथ से छोड़ना नहीं चाहेंगे। वहीं अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ के साथ उनके रिश्ते इतने अच्छे नहीं है और वही कारण है कि इस बार बीजेपी में बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। केशव प्रसाद मौर्य से अनबन और ब्रिजभूषण सरन सिंह से अनबन योगी आदित्यनाथ की है। ऐसे में अनुप्रिया पटेल भी बगावत करते हुए नजर आ रही है। ओपी राजभर ने भी खुलकर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी को इस बात का जिम्मेदार ठहरा दिया था। संजय निषाद भी सीटों की मांग को लेकर कहीं ना कहीं अब अपना प्रेशर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में तमाम तरीके की बात जो निकल कर सामने आ रही है, माना यही जा रहा है कि अखिलेश यादव इस बार भारतीय जनता पार्टी के टूट का पूरा फायदा उठाते हुए नजर आएंगे। उसमें कोई भी चेहरा हो वो सबको साधने का प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में इस तरीके की घटना देखने को मिलेगी, क्या ब्रिजभूषण सरन सिंह भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर एक बार फिर से सपा में शामिल होने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।